गुड इवनिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थ्योरी करी है और सीमांत भौतिक उत्पादकता वितरण का सीमांत भौतिक उत्पादकता सिद्धांत, इसमें हमने टेबल्स करे थे परफेक्ट कंपटीशन में, जो कैसे एमआरपी, एआरपी, एमपीपी, इनकी किस तरह से वैल्यूज़ निर्धारित होंगी और अपूर्ण बाजार में किस प्रकार से निर्धारित होंगी। अब इसके आधार पर हमें डायग्राम बनाना है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो प्रोडक्शन की होती है, तो वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है हम एमपी ड्रॉ करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो ड्रॉ करते हैं, ये दरअसल वही चीज़ बताती है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लैंड है और उसमें मैंने 10 लेबर लगाई और 10-11वीं लेबर जैसी लगाई मेरा उत्पादन गिरने लगा, और तो उसका स्पष्ट मतलब ये होता है कि उस 11वीं लेबर का कोई भी योगदान नहीं है कुल उत्पादन में। इसको हम तृतीय स्टेज कहते हैं। और प्रथम स्टेज जो होती है, जहाँ पर जब बढ़ने लगता है सारा, जब उत्पादन बढ़ने लगता है, वो प्रथम स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में दोनों सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एमपी भी, एपी भी, और टीपी मैक्सिमम होता है, और फिर एमपी ज़ीरो हो जाता है। एमपी ज़ीरो होने के तुरंत बाद और नेगेटिव होने लगता है, तब हम कहते हैं थर्ड स्टेज आ गई। तो उत्पादन में, कुल उत्पादन के इस पूरे इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारा जो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक लेबर हम और लगा लें, वो हमारे लिए लागत भी उसकी ज़्यादा हो जाए, उसको पे भी ज़्यादा करना पड़ जाएगा और हमारा उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। तो किसी भी लेबर को उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी तनख्वाह दी जाए, इसके लिए भी कोशिश की जाती है। इसलिए वितरण के सिद्धांतों में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट थ्योरी का बहुत महत्व है। और अभी मैंने आपको इसके बाद आपको डायग्राम भी, किस तरह से डायग्राम बनाना है वह भी मैंने आपको अभी बताया है। तो आप इसको अच्छी तरह से, अच्छे से याद कर लें टेबल को, टेबल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और डायग्राम्स को भी अच्छी तरह से कर लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टेबल भी लिखनी पड़ेगी और डायग्राम भी बनाना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट थ्योरी के माध्यम से ये बताएं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार फर्म में संतुलन होता है, तब हम उसके लिए कल हम सारा उस क्वेश्चन का आंसर हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।